ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, खंडित मूर्तियों की पूजा करना शुभ नहीं होता। ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि इस बारे में शास्त्र व ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि खंडित मूर्तियां आदि को घर या दुकान में रखने से इंसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में किसी खंडित मूर्ति का उपयोग किया जाए तो पूजा विफल मानी जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान शिव को खुश करने के लिए ठीक से उनकी पूजा भक्त कर पाए इसके लिए भगवान शिव के लिंग स्वरूप शिवलिंग को अपने घर ले आते हैं, मगर कभी कभी शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसके कारण कुछ लोग शिवलिंग की पूजा करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है? तो हिंदू ग्रंथों में शिव शंकर को ब्रह्म रूपी और शिवलिंग को शिव का निराकार रूप कहा गया है, अर्थात जिनका कोई आकार नहीं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शिव जी का प्रतीक शिवलिंग कहीं से टूट जाने पर भी खंडित नहीं कहलाता। अगर शिवलिंग खंडित भी हो जाए तो वह फिर भी पवित्र व पूजनीय होता है। वही मूर्तियाँ यदि खंडित हो जाती हैं तो उनकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन यदि शिवलिंग खंडित हो भी जाता है तो उसकी पूजा की जा सकती। कारण इसका यही है कि शिवलिंग एक ऐसा स्वरूप होता है, अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि शिवलिंग को हम साकार रूप में नहीं मानते, शिवलिंग को हम निराकार रूप में मानते हैं। जिसका कोई आकार ना हो वही निराकार। इसलिए वहीं यदि शिवलिंग खंडित भी हो जाए तो भी आप आसानी से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इसलिए सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच से चटक भी गया हो तो भी खंडित नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है भी तो आप चित्रकूट के बिरसिंहपुर में स्थित भगवान गैवीनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा ही की जाती है। वहीं यूपी के बाराबंकी जिले में स्थित औशानेश्वर मंदिर के भी दर्शन करेंगे तो उस शिवलिंग पर अंग्रेजों ने तलवार मारी थी और आज भी वो निशान तलवार का शिवलिंग पर बना हुआ है। फिर भी आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो इसलिए खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। हर हर महादेव।